हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे एग लबाबदार। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये लेंगे हम एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। ऑयल और बटर हमारा हो गया है गरम। अब इसमें डालेंगे 1 हरी मिर्च, ये 4-5 कलियां लहसुन की, और आधा इंच अदरक का टुकड़ा। ये 5 टमाटर हैं जिनको मैंने रफली काट लिया है, वो ऐड करेंगे। हाई फ्लेम पे भून लेते हैं इसको थोड़ा। इसी के साथ डालेंगे हम ये 8-10 काजू और 2 साबुत लाल मिर्चें। मैंने ये काजू टुकड़ा लिया है, अगर आपके पास साबुत हैं तो आप वो ले सकते हैं। अब इसमें ऐड करें ये हरे धनिया की डंडियां जो होती हैं वो डाली हमने, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो वो ऐड करें इसके अंदर, अच्छे से भून लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, 1/2 गिलास पानी ऐड करेंगे और अच्छे से टमाटरों को सॉफ्ट होने तक उबालेंगे, इसको पकाएंगे पानी के अंदर। थोड़ा और ऐड करते हैं। टमाटर हमारे पक गए हैं, अच्छे से उबल गए हैं। अब इसको ठंडा होने देते हैं, उसके बाद इसका एक पेस्ट बनाएंगे। अब हम लेंगे एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। इसको अच्छे से गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा हो गया है गर्म। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 3-4 कलियां लहसुन की बारीक कटी हुई, और ये 2 हरी मिर्चें हैं जिनको बारीक बारीक काटा है, वो डालेंगे। लहसुन को भून लेते हैं अच्छी तरह से। लहसुन हमारा भुन गया है। अब इसमें डालेंगे ये 4 प्याज हैं जिनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, वो ऐड करेंगे। इन्हें हल्का ब्राउन होने तक हमें अच्छे से भूनना है। इसी के साथ डालें 1 बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और 2 पिसे हुए टमाटर, ये ग्रेट करके डाल सकते हैं। देखिए हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, 1 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, ये है 1 चम्मच किचन किंग मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और ये 1 चम्मच है कश्मीरी लाल मिर्च। तो इसको अच्छे से भून लेते हैं मसाले को। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसको 3-4 बार अच्छे से बिल्कुल भून लेना है, ऑयल सेपरेट होने तक। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। मसाले को जितना भुनेंगे सब्जी में उतना ही ज़्यादा टेस्ट आएगा, तो मसाले को बहुत अच्छे से भूनना है हमें, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए, ताकि हमारा मसाला नीचे जले ना। मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे काजू और टमाटर का जो मैंने पेस्ट बनाया था, वो ऐड करेंगे इसके अंदर। अच्छे से इसको भी ऑयल सेपरेट होने तक हमें अच्छे से भूनना है। मिला लेते हैं इसको अच्छी तरह। जब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता, जब तक हम इसको कवर करके। मसाला अच्छे से भुन गया है, ये देखिए
अब हम इसमें डालेंगे, जिस जार में मैंने काजू और टमाटर को पीसा था मैंने उसी जार में अच्छे से पानी को मिला के वो पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। काजू डाला है भाई, वेस्ट कैसे कर सकते हैं, तो मैंने उसी जार में पानी डालकर उसको इसमें मिला दिया है। अब हम इसके अंदर अपने अंडे डालेंगे। ये मैंने अंडों में बीच में ऐसे क्रॉस का चीरा लगा दिया था, जिससे कि जो हमारे ग्रेवी का मसाला है वो अंडे के अंदर तक चला जाए। एक एक करके हम आराम से सारे अंडे इसमें मिला देते हैं। अब हम इस पे एक लिड लगा के इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देते हैं, ताकि अंडों में जो सारा मसाला है वो चला जाए। हम इसका कवर उतार लेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, हरा धनिया और ग्रेट किया हुआ अंडा, एक अंडा हमने ग्रेट कर लिया था वो डालेंगे। मिक्स करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे क्रीम, 2 चम्मच क्रीम, ये मेरी घर की मलाई है जो दूध पे आती है, मैंने वो ही ली है। आप चाहें तो अमूल फ्रेश क्रीम जो है वो यूज कर सकते हैं। इसको मिलाएं और इसे 5 मिनट ऐसे ही ढककर छोड़ दें। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे एग लबाबदार बनकर बिल्कुल तैयार है। तो ये लीजिए, अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और क्रीम। तो लीजिए फ्रेंड्स, एग लबाबदार एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।